हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान लोगों को पैसों की समस्या बढ़ने लगी है, क्योंकि कर्फ्यू के दौरान दी गई छूट के बाद लोगों का घरों से निकलना बंद है। ऐसे में पैसों के बिना लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। कर्फ्यू के दौरान लोगों को सुबह 7 से 10 बजे के बीच ही जरूरी सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बैंकों के टाइम सुबह 10 से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। ऐसे में 10 बजे के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमीरपुर में बैंकों में भी दिन भर 1 या 2 से ज़्यादा ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण 10 से 2 बजे तक बैंक कर्मी भी खाली बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। बैंक कर्मियों की माने तो कर्फ्यू के दौरान दिन में 1 से 2 ही ग्राहक पहुंच रहे हैं, जिससे बैंक की गतिविधियां भी ठप पड़ गई हैं। कांगड़ा सहकारी केंद्रीय बैंक के सीनियर मैनेजर राजीव शर्मा ने बताया कि बैंक में कर्फ्यू लगने के बाद से दिन में केवल 2 से 3 ग्राहक ही पहुँच रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बैंक टाइमिंग भी सुबह लोगों को दी गई छूट की टाइमिंग के साथ हो, ताकि बैंक की सुविधा भी लोगों को मिल सके। 10 से 2 बैंक खुल रहे हैं। पहले तो रुझान बहुत ही अच्छा होता था, लेकिन जब से कर्फ्यू लगा है, जैसे हम कल का ही लें तो कल सारे दिन में हमारे पास 2 ग्राहक आए, वो भी सुबह 10 बजे आ गए। उसके बाद सारा दिन कोई ग्राहक नहीं आया। फुल टाइमिंग क्लैश तो हो रही है। देखो, कर्फ्यू जो है वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलता है, तब तक लोगों को रिलैक्सेशन है, लेकिन बैंक 10 बजे खुलते हैं। तो जब बैंक खुलते हैं तब लोग घरों के अंदर होते हैं, तो उनको बैंक की सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि लोगों को इस तरह से रिलैक्सेशन मिले कि वो बैंक की सुविधाओं का भी फ़ायदा उठा सकें। जैसे 8 से 11 या 9 से 12 अगर टाइम हो तो बैंक की सुविधाएँ भी मिल जाएंगी लोगों को, और वो अपनी खरीदारी वगैरह भी कर सकते हैं। नहीं, जो ATM कर्फ्यू के बाद जो ATM की ट्रांजेक्शन है वो तो लगभग 1/3 से भी कम हो गई है। जहाँ पहले लोग 70-80 लोग डेली आते थे, जब से कर्फ्यू लगा है तो लोगों की संख्या 15-20 तक पहुंच गई है। वहीं स्थानीय व्यापारी रजत का कहना है कि सुबह 7 से 10 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहती थी, लेकिन दुकानों में खरीदारी के बाद कैश को जमा करवाने के लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि बैंक की टाइमिंग 10 बजे के बाद है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बैंक की टाइमिंग को बदला जाए। सर, एक्चुअली 10 बजे तो कर्फ्यू स्टार्ट होते हैं, 7 से 10 कर्फ्यू की छूट होती है, तो 10 बजे सर लोग कैश दे रहे हैं, डिजिटल पेमेंट इतने नहीं करते हैं, और तो जो कैश है वो हमारे को बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। इसलिए सर ये एक मांग है सर कि थोड़ी बैंक या जल्दी खुलें या हमारे को 1-1.5 घंटे की छूट एक्स्ट्रा दे, क्योंकि हमने माल मंगवाना होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं हमारे को बाय चेक या नेफ्ट ये ट्रांजेक्शन करने पड़ती है आगे पार्टीज को। तो इसलिए कि रिक्वेस्ट है सर कि बैंक की टाइमिंग 9 से 10 कर दीजिए, या फिर क्या बोलते कर्फ्यू का 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, या 10 से 11 कर दीजिए कर्फ्यू। स्थानीय निवासी राज सिंह का कहना है कि हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं और सामान खरीदने की टाइमिंग अलग है, इस कारण समस्या पेश आ रही है। उन्होंने बताया कि कई दुकानों पर स्वाइप मशीनें भी काम नहीं कर रही हैं, जिससे पैसे की किल्लत बनती जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कर्फ्यू में छूट का टाइम के साथ ही बैंक खुलने की टाइमिंग भी रखी जाए। सर, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मान लो जैसे हमने अगर 7 से 10 बजे का जो है कर्फ्यू का टाइम है, तो सर हम उस और बैंक को ओपन होने का टाइम जो सर 10 बजे के बाद का है, तो सर हम पहले हमें ये सब बात समझ में नहीं जा रही कि इस टाइम जो पैसे बिल्कुल ख़त्म है, और अगर हम पहले बैंक जाते हैं तो अब सामान कब ले सकते हैं, क्योंकि 10 बजे बैंक ओपन हो रहे हैं। तो सर हमें दिक्कत बहुत आ रही है इस चीज़ से, या तो सरकार जो है बैंक का टाइम जो है थोड़ा पहले कर दे, या कर्फ्यू का टाइम बढ़ाए, क्योंकि हमें जो हम कब ATM जाएं, क्योंकि कई दुकानों पे स्वाइप मशीन भी हैं लेकिन सर वहाँ स्वाइप काम नहीं हो रहा, तो सर हमें दिक्कत आ रही है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि या बैंक का टाइम थोड़ा 9 से 10 कर दें, या फिर कर्फ्यू का टाइम थोड़ा बढ़ा दें। वही स्थानीय निवासी परमार ने बताया कि बैंकों में जाने के लिए समय नहीं लग रहा है, और इस कारण सामान खरीदने के लिए परेशानी बन रही है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इस बारे में जल्द समाधान निकाले। दूसरा, पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बैंक है या और कोई दफ्तर है, जब 7 से 10 बजे तक ही बाहर आना है तो लोग बैंक में 10 बजे के बाद कैसे जाएंगे? ये एडमिनिस्ट्रेशन से या पूछिए क्या ये जायज है, ये चीज़ें भी तो थोड़ी उसी से, मतलब अगर दूरी रखेंगे तो बचाव भी होगा, दूरी नहीं होगी तो बचाव नहीं होगा, और तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं।